वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। हर क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। याद रखें, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर होता है वो किस राज्य में अवस्थित होता है? सॉरी फ्रेंड, ये स्टेट किस राज्य में अवस्थित होता है ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर अवस्थित होता है। नेक्स्ट, व्हिच सैटेलाइट सेंड बाय इसरो टू वर्क डीटीएच सर्विस? आप जानते हैं डीटीएच डायरेक्ट टू होम, इसके माध्यम में आप जो टेलीविजन देखते हैं, इस कार्य किस सैटेलाइट माध्यम से होता है ना, इनसैट फोर ए। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसैट फोर ए सैटेलाइट के माध्यम से हम टेलीविजन देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो नाउ? अभी इसरो का चेयरमैन कौन है ना, के सिवान। आप इसको याद रखिए, के सिवान भी हम इसको कहते हैं, के सिवान। नेक्स्ट, विक्रम सराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन? विक्रम सराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित होता है ना, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम जो केरल में अवस्थित होता है, याद रखिए, त्रिवेंद्रम केरल में अवस्थित होता है विक्रम सराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा इज फेमस फॉर? श्रीहरिकोटा एक स्पेस स्टेशन होता है। श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष को हम रॉकेट लॉन्च कहते हैं। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है ना, आंध्र प्रदेश में। याद रखिए, आंध्र प्रदेश में अवस्थित होता है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया इज नोन एज? भारत का जो पहला चंद्र मिशन था, इसका नाम क्या रखा गया था ना, चंद्रयान वन। चंद्रयान वन भारत का पहला चंद्र मिशन व चंद्र मिशन था। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु शक्ति होता है, इसका जनक किसको कहते हैं ना, होमी जहांगीर बाबा। याद रखे, होमी जहांगीर बाबा को भारत का परमाणु शक्ति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन हुईचर? भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किस साल में हुआ था ना, 1974 में पहली बार भारत में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरान, राजस्थान के पोखरान पर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ वर्ल्ड लॉन्च बाय यूएसएसआर? यूएसएसआर के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या था ना, स्पुटनिक। याद रखिए, स्पुटनिक पहला सैटेलाइट था विश्व का, रूसिया के द्वारा अंतरिक्ष को प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच सैटेलाइट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एज डेड इन 1997 में किस सैटेलाइट को डेड डिक्लेयर किया गया था ना, इंसैट टू डी। याद रखिए, इंसैट टू डी को 1997 में डेड डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, कल्पकम एंड तारापुर न्यूक्लियर सेंटर इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस? जो कल्पकरम एंड तारापुर न्यूक्लियर सेंटर होता है वो कहाँ पर अवस्थित होता है ना, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में। याद रखे, कल्पकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित होता है न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर भारत का। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस? पहली भारतीय कौन महाकाश को गए थे ना, राकेश शर्मा। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश शर्मा पहली भारतीय के रूप में महाकाश को गए थे। नेक्स्ट, हु गेव द ब्लैक थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ चुका है, बहु बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था ना, एस चंद्रशेखर। याद रखे, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल थ्योरी दिया गया था। नेक्स्ट, अबू इब्राहिम इन ए फेमस इंडियन इन व्हिच फील्ड? अबू इब्राहिम किस फेमस से, किस फील्ड से रिलेटेड होते हैं ना, याद रखे, कार्टूनिस्ट। अबू इब्राहिम जो भारत का एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट, सतीश गुजराल इज फेमस फॉर? सतीश गुजराल कहाँ के लिए प्रसिद्ध है ना, पेंटर। ये भी याद रखे, सतीश गुजराल जो फेमस पेंटर भारत का थे। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर आप सभी जानते हैं सितार के लिए फेमस होते हैं, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज कन्नड़ आदिकवि? कन्नड़ का आदिकवि के नाम में हम किसको जानते हैं ना, पंपा। ये भी याद रखे, पंपा को हम कन्नड़ का आदिकवि के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री, पहली कन्नड़ कवयित्री कौन थे ना, कांति। याद रखे, कांति पहली कन्नड़ कवयित्री थे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज देशबंधु? देशबंधु के नाम में किसको जाने जानते हैं ना, चित्तरंजन दास को। याद रखे, देशबंधु के नाम में हम चित्तरंजन दास को कहते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द राइटर ऑफ जेम्स बॉन्ड जासूसी कथा? जेम्स बॉन्ड जासूसी कथा का
लेखक कौन है? यान फ्लेमिंग। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यान फ्लेमिंग जो जेम्स बॉन्ड का जासूसी कथा का लेखक होते हैं। नेक्स्ट, जमशेदपुर टाटा वाज फाउंडेड बाय, जो जमशेदपुर टाटा कहाँ द्वारा स्थापना किया गया था ना, टाटा आयरन एंड स्टील, सॉरी फ्रेंड, जमशेदपुर टाटा, जो जमशेदपुर एक टाटा व्यक्ति का नाम था, उन्होंने फाउंड किया था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो टाटा स्टील कंपनी है, इस कंपनी का ये फाउंडर थे। ताज होटल मुंबई, मुंबई में जो ताज होटल होते उनको भी उन्होंने फाउंड किया था, जमशेदपुरी टाटा। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर, इसको भी उन्होंने स्थापन किया था। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं ना, पेंटिंग, ये भी याद रखे। राजा रवि वर्मा भारत का एक फेमस पेंटर थे, याद रखे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है राजा रवि वर्मा पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत का नाइटेंगल हम किसको कहते हैं ना, सरोजिनी नायडू को हम भारत का नाइटेंगल कहते हैं। और हु आज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत का पहली महिला जो भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्ष था किए थे, वो भी कौन थे ना, वही सरोजिनी नायडू थे, उन्होंने 1925 में सभापति तो किए थे INC का, याद रखे। इसके बाद ये भी याद रखे, सरोजिनी नायडू जो भारत का पहला महिला थे जो किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुए थे, याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।